हे गाइस, दिस इज अल्टीमेट डॉट हियर। मेरा नाम है सौरभ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाए एंड कोई भी वैल्यू आप इधर डालोगे वो डेटाबेस में कैसे स्टोर किया जाए। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाना है एंड उसका बाद डेटाबेस का कनेक्शन, देन डेटाबेस को कैसे वैल्यू स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेटाबेस ओपन कर लेना है। मैं डेटाबेस ओपन करके ही रखा हूँ, देन आप इसीलिए देख पा रहे हो जो इधर में है मेरा एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल के, ठीक है, मैं इसी को ही रन कर रहा हूँ। देन आप इसलिए देख पा रहे हो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इधर ओपन हो चुका है। देन आप कुछ भी इधर डाल सकते हो, जैसे कि मेरा ही फिल कर दे रहा हूँ, जैसे कि सौरभ लास्ट नेम दास, देन डेट ऑफ बर्थ फिल कर दे रहा हूँ, देन ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर, मेल सेंडर, देन एड्रेस, एड्रेस में दे दे रहा हूँ सेम एड्रेस, सब दे दे रहा हूँ, पिन कोड दे दे रहा हूँ, देन स्टेट कुछ भी डाल रहा हूँ, देन उसका नीचे जो बोल रहा है तो मैं इधर कोई भी एक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, देन अदर में कुछ भी इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, देन नीचे बोल रहा है क्लास 10, 12 एंड ग्रेजुएशन मास्टर, तो बोर्ड कौन सा था, तो वेस्ट बंगाल डाल रहा हूँ, देन परसेंटेज मान के चलिए मैं कोई भी एक परसेंटेज डाल दे रहा हूँ, ईयर ऑफ पासिंग, इधर भी मैं डाल दे रहा हूँ 2012, 2015, 2018, देन 66, देन इसका नीचे डाल रहा हूँ 90, सही है। मैं इधर सब कुछ डाल चुका हूँ और नीचे मैं बोल रहा है कोर्स अप्लाई फॉर, कौन सा कोर्स है, मैं कोई भी एक डाल दे रहा हूँ, जैसे कि BCA कर दे रहा हूँ, देन मैं इसको करूँगा सबमिट पे क्लिक। अब इसी देख पा रहे हो, थैंक यू फॉर योर डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, ठीक है। तो इधर मैं कुछ चेंजेस करना है, मैं चेंजेस नहीं किया हूँ और सबमिट हो चुका है। तो सबमिट जो वैल्यू मैंने दिया था वो डेटाबेस में स्टोर हुआ है क्या नहीं हुआ है हम लोग कैसे देखेंगे, तो आपको सिंपली MySQL पेज में जाना है। देन मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा हूँ जो कि है एडमिन बोल के, सॉरी स्टूडेंट बोल के, देन उसका अंदर में जो ST बोल के एक टेबल है उसको हम क्रिएट करके रखा हूँ और हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इधर टेबल क्रिएट करना है और कैसे कैसे इधर ऐड करना है। चलिए हम लोग अभी देख लेता हूँ डेटाबेस में। अभी इसी देख पा रहे हो, जैसे कि मैं अभी फिलहाल जो जो फिल किया था सब इधर आ चुका है, ठीक है, जितना भी मैंने फिल किया था, जैसे कि मैं स्कोर्स में BCS चूज किया था, पासिंग, मास्टर, जो जो डिग्री मैंने इधर लिखा था सब कुछ इधर डेटाबेस में आ चुका है, सही है। तो आप इजीली ऐसे कोई भी डेटा को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ना, इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ, देन मैं आपको इधर में समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको समझ में दिक्कत हो सकता है, तो मैं और एक क्रिएट करके आपको समझ दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, देन जाना है न्यू प्रोजेक्ट, सिलेक्ट करना है जावा वेब, देन आपको इधर टाइप करना है प्रोजेक्ट का नेम, तो मैं दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, देन क्लिक टू नेक्स्ट, इधर आपको Apache Tomcat सिलेक्ट कर लेना है, देन क्लिक टू नेक्स्ट, देन फिनिश्ड, ठीक है, इधर आ चुका है। इसको भी हम लोग एक बार रन करके देख ले रहा हूँ,
सही चल रहा है अभी फिलहाल। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि है ना इंडेक्स वो है, इस कोड को कॉपी करके मैं इसको इंडेक्स में पेस्ट कर दे रहा हूँ। इधर में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो ऑप्शन है मैंने इधर एक टाइटल रखा हूँ जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप इधर कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि इधर मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रख रहा हूँ। देन स्टाइल का देखिए, मतलब सीएसएस ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि इधर में ज़्यादा सीएसएस का कुछ है नहीं है, ठीक है। इसका कलर है और इसका कलर और बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा है और बाकी कुछ भी नहीं है इधर सीएसएस का। तो हम लोग इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। तो सी एस एस का हम लोग इधर यूज़ किए हैं और जो इधर 3px जो बॉर्डर है हम लोग, आप देख सकते हो इधर 5 या 10 कर दे रहा हूँ। तो कौन सा बॉर्डर आपको दिखेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इधर का जो बॉर्डर है उसका ही चेंज हो जाएगा जितना भी बॉर्डर है, आप देख सकते हो। तो आप बॉर्डर इधर से चेंज कर सकते हो उसका, उसके लिए वो हम लोग यूज़ किए हैं। कहाँ पे, 1 मिनट। तो इधर हम लोग बॉर्डर डाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना कलर है टेक्स्ट का, फ्रॉम ऊपर वाला जो टेक्स्ट है जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको मैं बोल्ड करके रखा हूँ इसलिए इधर में हम लोग बोल्ड रखा। देन इसको सेंटर में किया है तो इसलिए सेंटर को यूज़ किया है। और इसका साइज किया है जैसे कि फ्रॉन्ट साइज, जैसे कि इसको मैं 250, इसको मैं 50 कर दे रहा हूँ। देन सेव, देन इसको रन कर रहा हूँ। अब देखोगे साइज चेंजेस हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल सेट कर दे रहा हूँ, इधर भी मैं इसको 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट एलिजियन को यूज़ किया हूँ जो कि है सेंटर पे। देन उसके बाद कलर यूज़ किया हूँ जैसे कि है आप देख सकते हो, ठीक है। आप इधर कलर भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन इसको सेव करके फिर से आप रन करके देख सकते हो, आप इजीली देख पा रहे हो। तो इसको मैं जैसे था ऐसे ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सी एस एस यूज़ नहीं है, आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन सी एस एस इधर हम लोग का ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग यूज़ किए हैं एच टी एम एल का टैग यूज़ किए हम लोग, जैसे कि बॉडी का आपका बैकग्राउंड कलर है, बॉडी का स्टाइल, देन फ्रॉम एक्शन क्या है ये हम आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम पहले एच टी एम एल का जो फॉन्टेंट है उसको हम लोग देख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे ना कनेक्शन का, देन जाएंगे डेटाबेस का, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली ना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फ्रॉम हेडलाइन मैंने डाला हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो। इधर भी हम साइज घटा सकते हैं, जैसे कि आप H1 कर देंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। आप थोड़ा सा इधर देख लीजिए हेड, देन इसको अब इसी देख पा रहे हो इधर आ चुका है और साइज में कलर फला सब चेंज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली मैं इधर जैसे हैं उसको रख दे रहा हूँ। देन सही है, पहले जैसा आ चुका है। देन इसको सेंटर में रखा हूँ। उसके बाद देखिए जैसे कि हम लोग टी आर टी डी करके ना डीप लिया हूँ, उसके बाद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसे करते हुए हम लोग एक फॉर्म बनाया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए सिमिलरिटी सबका सेम है, जो कि ऑप्शन वैल्यू जो ड्रॉप डाउन में आएगा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन में आया जैसे कि 31 तक ही है और 31 तक हम लोग वैल्यू इधर इंसर्ट किए हैं, आप इसे देख पा रहे हो 31 तक है। इसका ही सिमिलर हम लोग एक को डे में बनाना है और एक मंथ और एक ईयर, ठीक है। सिमिलरली मैं मंथ पे भी बनाया, ठीक है, ऑप्शन डाल के ड्रॉप डाउन में। देन दिसंबर तक ही रखा, इसे मंथ का सिलेक्शन है। उसका बाद ईयर मैं आपको हैंड टू हैंड इधर टाइप करते हुए ये प्रोजेक्ट बना के दिखा सकता था, लेकिन इसका आप देख सकते हो कॉपी एंड पेस्ट करते करते मेरा बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। इसलिए मैं आपको हर एक कोड को आराम से समझ दे रहा हूँ एंड आपको इजीली देख पा रहे हो ना 1990 1980, आप इजीली देख पाओगे। और एक और आप ऐड करना चाहते हो तो 79 को ऐड कर सकते हो, आप देखोगे अभी 79, कंट्रोल एस। देन मैंने सेव किया हूँ, मतलब रन नहीं किया हूँ अभी तक, अभी तक आपको 80 तक ही दिखेगा। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देन आपको 79 तक दिखेगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इधर। उसके बाद आपका सही से जैसे नेम डाला हूँ ऐसे ईमेल,
मोबाइल नंबर, ऐसे करते हुए मैंने एक फॉर्म बना चुका हूँ। ठीक है, यह है चेकबॉक्स का टैग, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और चेकबॉक्स का नेम क्या डालना है और वैल्यू आपको क्या देना है। ठीक है, उसके बाद ये जैसे कि मैंने डाला हूँ, इसको मैं डी कर देता हूँ, देन क्या होगा देखिए, वैल्यू के अंदर कुछ चेंजेस करने से आपका, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। सेफ नहीं होगा ऐसा है, इसको डी कर देता हूँ, देन इधर भी हम नेम को डी कर देता हूँ, उसका जो नेम है वो चेंजेस हो जाएगा, आप इसलिए देख पा रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम जो है वो एकदम सिंपल फ्रॉम है, ज़्यादा बूटस्ट्रैप भी हम लोग यूज़ नहीं किए हैं, आप सिंपल एचटीएमएल का फ्रॉम बनाया है। ठीक है, आप एक बार देख लोगे तो ये जैसे है, देखिए इनपुट टाइप जो कि है रेडियो बटन के लिए, तो इसको ना हम लोग का जो कैटेगरी है कोर्ट्स का कैटेगरी है वो हम लोग डाला है, उसके बाद मैंने सबमिट रखा है। ठीक है, अभी तक ये आपको समझ में आ चुका है शायद, इसको बड़ा कर लेता हूँ। आपको इसलिए समझ में आ चुका है कौन सा कोड, जैसे कि पिन है, स्टेट है, सिमिलरिटी सबका सेम ही है। ठीक है, आप इधर कुछ भी ऐड कर सकते हो और अपना हिसाब से भी आप बना सकते हो। उसका बाद आपको क्या करना है, आपको इसको रख लेता हूँ, उसके बाद आपको इधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अंदर में लाइब्रेरी में आपको इधर में इसका जार, मतलब MySQL का जो जार है वो ऐड कर लेता हूँ। आपको ये कैसे ऐड करना है नहीं पता तो मेरा वीडियो का ना, मेरा चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा कैसे जार फाइल को ऐड किया जाए, आप देख सकते हो। देन इसको मैं ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, जार को ऐड हो चुका है, देन हम लोग करेंगे डेटाबेस का कनेक्शन। ठीक है, तो पहले का जो लाइब्रेरी है उसका, सॉरी, सोर्स टेस्ट कनेक्शन, इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, देन लाइब्रेरी सोर्स कोड में इधर आके इधर पेस्ट कर दे। टेस्ट कनेक्शन में आपको दिखे इधर दो दिखेगा दो चीज़, जैसे कि इधर मैंने चेंजेस नहीं किया हूँ, कॉन्टैक्ट बोल की सेव है, और बाकी जो है ना डीबी कनेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको डेटाबेस एक क्रिएट करना है, चलिए हम लोग पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे इधर ही कर लेता हूँ, इधर में मेरा दो ही डेटाबेस है, आप देख सकते हो दो दो नहीं तीन डेटाबेस है, तो मैं एक टेस्ट बोल के एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट स्पेस डेटाबेस, देन आपको डेटाबेस का नेम दे डालना है टेस्ट, अभी इसे देख पा रहे हो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, इधर भी अभी तक नहीं आया, इसको रिप्लेस करना है। टेस्ट बोल के एक डेटाबेस आ चुका है, देन आपको क्या करना है, आपको टेस्ट का टेस्ट डेटाबेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि कमांड है यूज टेस्ट। ठीक है, हो किया, सिलेक्ट हो चुका है। टेस्ट का अंदर में अभी टेबल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमको एक टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, टेबल क्रिएट करने के साथ पहले आपको बोल देता हूँ, इधर आपको मिनिमाइज कर देता हूँ, देन आपको जाना है डेटाबेस कनेक्शन पे, देन इधर में डेटाबेस कनेक्शन कैसे करना होता है, डेटाबेस कनेक्शन इसके भी इसके अल्लाह डेटाबेस कनेक्शन को कैसे क्रिएट करना है और इसका कोड क्या है, या इसका हिसाब से मेरे को डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है MySQL पे और कैसे कैसे यूज़ होता है, तो इसका बारे में मैंने और एक सेपरेटली ना वीडियो बना के रखा हूँ मेरे चैनल पे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मेरा चैनल पे विजिट करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत हल्का सा बोल देता हूँ, जैसे कि है मेरा पैकेज नेम है, पैकेज नेम इंडिकेट करता है जो कि है ये पैकेज नेम है आपका, ये जो पैकेज है इसका नेम ही आपको इधर डालना पड़ेगा। उसका इनपुट क्या है, मैंने कुछ इस जावा SQL का, देन कनेक्शन का, ड्राइवर मैनेजर का, ये हम लोग इनपुट किया हूँ। उसके बाद डेटाबेस का नेम दिया हूँ, जैसे कि डीबी कनेक्शन, आप इधर भी देख पा रहे हो डीबी कनेक्शन का नेम दिया हूँ। उसके बाद हम लोग कौन से कनेक्ट कर रहा हूँ,
देन एक स्ट्रिंग लिया हूँ जिसका ड्राइवर है माई एस क्यूएल का ड्राइवर, कॉन डॉट माई एस क्यूएल डॉट जे डी बी सी ड्राइवर। उसका बाद आप लोकल होस्ट, जैसे कि मेरा लोकल होस्ट माई एस क्यूएल का 3306 है और डेटाबेस कुछ टाइम पहले स्टूडेंट था, अभी हम लोग डेटाबेस एक क्रिएट किए हैं जिसका नेम है टेस्ट। तो आपको सिंपली इधर टेस्ट डालना है। उसके बाद आप माई एस क्यूएल इंस्टॉल करने का टाइम, जैसे ना यूज़र नेम और पासवर्ड क्या डाला था अपना हिसाब से, आपको जो सेट किए थे वही आपको इधर डालना है। मेरा ना माई एस क्यूएल इंस्टॉल करने का टाइम हम डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रखा था और पासवर्ड पासवर्ड ही रखे थे। उसके बाद मैंने इधर एक इफ़ कंडीशन यूज़ किया हूँ, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो, कनेक्ट होगा तो मेरे को कौन सा मैसेज शो करेगा। अब इसका जो कनेक्शन कनेक्शन ले लेगा तो मेरे को इधर प्रिंट क्या देगा, देखिए दिस विल बी राइट टू द टेक्स्ट फाइल आफ्टर कनेक्शन, ठीक है, मेरे को ये दिखेगा। और नहीं तो कनेक्शन नहीं होगा तो नॉट कनेक्शन दिखेगा। तो सबसे पहले अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ, और अभी तो ये काम नहीं करेगा। ये है टेबल का नाम, टेबल का वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी, मतलब टेबल का नाम इधर डाला हूँ, तो अभी तो इधर नहीं शो होगा। तो एस टी बोल के मेरा इस डेटाबेस के अंदर में कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, तो अभी मेरे को डेटाबेस कनेक्ट होगा तो मेरे को ये चीज़ मेरे को शो करेगा कनेक्शन कनेक्शन बोल के, ठीक है, कनेक्टेड बोल के। तो मैं इसको अभी रन कर ले रहा हूँ। अभी तक देख ले रहा हूँ कुछ, हाँ कनेक्ट तो हो चुका है, कंट्रोल एस, हाँ कनेक्ट हो चुका है, लेकिन मैंने आपको जो बताया अभी आप इसलिए देख पा रहे हो, जैसे कि है टेस्ट एस टी एंड डस नॉट एक्सिस्ट, जैसे कि आप इस एस टी को बोल रहा है, ठीक है, मतलब बोल रहा है टेस्ट का जो मेरा ना डेटाबेस है उसके अंदर में एस टी बोल के कोई अभी फाइल टेबल मौजूद नहीं है, इसलिए ये एरर अभी आया है। तो हम लोग का एक टेबल भी क्रिएट कर लेंगे। तो टेबल क्रिएट करने से पहले आपको बोल देता हूँ, जैसे कि ना हम लोग इधर में, जैसे कि ना फॉर्म क्रिएट करने का टाइम हम लोग इधर एक नेम डाले थे, अब इसलिए देख पा रहे हो नेम, जैसे कि ईमेल आईडी का जो फॉर्म बनाया उसी का अंदर में, जैसे कि हम लोग का इनपुट टाइप टेक्स रखा हूँ, जेन नेम एंड ईमेल आईडी, ठीक है, इसी नेम को आपको कॉपी करना है, कॉपी करते करते आपको डेटाबेस में डालना है। आप इसलिए देख पाओगे मैं अभी करूँगा माई एस क्यूएल, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने रखा फर्स्ट नेम, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। अभी देखिए जो कि है फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम के अंदर में जो है टेबल का नेम जो है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सिमिलरिटी मैंने सेम रखा। उसके बाद है टेस्ट नेम। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इधर टाइप करना है क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम डालना है। नेम में अभी डाल देता हूँ फ्रॉम बोल के एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, अभी सही रहेगा। उसका बाद मेरे को क्या डालना है, जैसे कि है फर्स्ट नेम, इधर भी फर्स्ट नेम है, देन आपको इसके अंदर में जो नेम है लास्ट नेम, लास्ट नेम अंडरस्कोर लास्ट नेम। उसके बाद जो है आपका देखिए बर्थडे, उसके बाद बर्थडे का जो आईडी है, आईडी का पहले जो है नेम, ठीक है, इस नेम को भी आपको कॉपी करना है, मतलब हर एक टेबल का जो नेम है आपको सब नेम को कॉपी करते हुए आपको इधर डालना है, और वेयर कर आपको डालना है 255 255। अभी इसको कमा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो, वो आपका ऊपर है आप कितना वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। उसके बाद जैसे कि है बर्थडे मंथ, बर्थडे ईयर, आप नीचे भी देखोगे बर्थडे ईयर, जितना भी इधर मैंने नेम है सबको इस इधर मैंने उठाया हूँ डेटाबेस पे, क्योंकि इसका ही वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस, सिटी, देखिए जेंडर, देन इसके बाद है एड्रेस, एड्रेस का नेम है इधर सेम, मतलब इधर आप गलती करने से आपको क्या होगा, आपको बाद में दिक्कत होगा। देन सिटी, ठीक है,
ऐसे करते हुए आपको भरना है। भरने के बाद आपको लास्ट में ये ध्यान में रखना है, ऐसे लास्ट का जो सेक्शन है आपको इधर नीचे कॉमा डालना नहीं है, आपको इसको हटाना है। देन आपको सिलेक्ट करते हुए आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। अब इसे देख पा रहे हो एग्जीक्यूट हो चुका है, टेबल क्रिएट टेबल फ्रॉम एग्जीक्यूट हो चुका है। इधर मैं आपको एक बार रिप्लेस करूंगा, देन टेबल के अंदर में फ्रॉम बोल के एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो इस टेबल को मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, देन इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, देन इसको बड़ा कर लेता हूँ। देन इंडेक्स का तो काम हो गया इधर, देन इसको भी हट लेता हूँ। डेटाबेस में मेरे को इधर डालना है जैसे कि फ्रॉम, फ्रॉम का अंदर में ओके सिलेक्ट फ्रॉम हम लोग का टेबल के अंदर में फ्रॉम, ठीक है, हम लोग का यही टेबल नेम है FORM बोल के। उसका बाद इसको सेव करना है, सेव करने के बाद मेरे को जो वैल्यू इंसर्ट करना है डेटाबेस पे उसका कोडिंग हमको इधर करना है। तो अब इसी सिमिलरिटी आप देख पा रहे हो, जैसे कि पैकेज नेम मैंने पहले आपको बोला था, जो पैकेज नेम है आपको सबसे पहले डालना है, उसका बाद आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद जो हम लोग इसका जो डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्शन कर चुका हूँ, जैसे कि अभी इधर देख पा रहे हो यूजर नेम पासवर्ड कॉन डॉट माई एसक्यूएल का डाइवर जो जो करते हुए हम लोग डेटाबेस इधर कनेक्ट कर चुका हूँ, इसी का एक कनेक्शन हम लोग इधर कर लेंगे। जैसे कि आप देख पाओगे प्राइवेट कनेक्शन कॉन, ठीक है, इधर से हम लोग डेटाबेस कनेक्शन कर चुके हैं। उसका बाद नीचे थोड़ा सा आप आओगे तो आपको दिखेगा मैं हर एक वैल्यू का स्ट्रिंग लिया हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फर्स्ट नेम, मतलब जो आपको दिखाता हूँ इंडेक्स कहाँ गया, इंडेक्स इसके अंदर में जो नेम है, जो हम लोग नेम का अंदर में जैसे कि फर्स्ट नेम है उसका नेम का जो है फर्स्ट नेम, जैसे कि लास्ट नेम का जो नेम सेक्शन है उसका अंदर में जो है लास्ट नेम, जो कुछ भी है उसको तो मैंने डेटाबेस में डाल के एक क्रिएट टेबल कर चुका हूँ। लेकिन जब कनेक्शन करना है तो आपको सेम इधर आपको डालना है स्ट्रिंग, बाकी सब सेम ही रहेगा, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम जो नेम हम लोग डेटाबेस से उठाया हूँ, आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम देन फर्स्ट नेम, उसके बाद जो लास्ट नेम देन लास्ट नेम, बर्थडे बर्थडे, आपको सिमिलरली सेम इधर सब रखना है, ठीक है, जो जो मैंने डेटाबेस किया हूँ किसके अंदर में रखना है आपको स्ट्रिंग, क्योंकि जो वैल्यू है इधर से पास करके जाके आपका डेटाबेस में हिट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया हूँ, पेपर स्टेटमेंट लिया हूँ वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, और उसके बाद कौन पेपर स्टेटमेंट कनेक्शन को कर रहा हूँ। देन आपको सिंपली इधर देख पाओगे एक क्वेरी, जैसे कि इंसर्ट, अभी इधर सिंपली देख पाओगे एक सिंटेक्स इंसर्ट इनटू एसटी, एसटी मतलब पहले का जो मेरा टेबल था, तो मेरे को इधर क्या करना है फ्रॉम करना है, ठीक है, मेरा तो अभी फ्रॉम ही है टेबल। उसके बाद सिमिलर आपको डालना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम बर्थडे जो जो वैल्यू हम लोग इधर पेस्ट मतलब इधर या डाला हूँ, ठीक है, जैसे कि मतलब जो काम हो रहा है आप इजीली देख पा रहे हो, इंडेक्स का जो नेम सेक्शन है उसी का ही उठा के हम लोग डेटाबेस में डाले, और उसका बाद हम स्ट्रिंग लिया हूँ, स्ट्रिंग का अंदर में ना उस वैल्यू को डाला हूँ जो सेम जो वैल्यू है, उसका बाद रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके उसका अंदर में भी सेम डाला हूँ। उसका बाद जो हम टेबल फ्रॉम है जो एक फ्रॉम क्रिएट करेगा उस फ्रॉम का अंदर में भी सेम वैल्यू हम डालते जाएंगे, ठीक है, अब देख पाओगे सेम वैल्यू हम लोग डालते गए हूँ, कोर्स बी ए कोर्स बी सी ए सॉरी कोर्स बी एस सी देन बी कॉम कोर्स बी सी ए, सिमिलरिटी आप देख पाए होगे, देखिए कोर्स बी ए इधर भी है, कोर्स बी ए बी सी बी एस सी देन बी कॉम बी सी ए, और सेम हम लोग डेटाबेस में भी सेम किया हूँ। अब देखिए कोर्स बी ए बी एस सी बी कॉम बी सी, इस ये करने से क्या होगा आपका कहीं पे भी मिसमैच नहीं होगा, और जिस वैल्यू आप इधर इंसर्ट करोगे इधर, ठीक है, वही वैल्यू इधर इंसर्ट होके डेटाबेस में जाएगा, और इधर आपने बोर्ड दिया है इधर परसेंटेज दिया है और इधर आप डेटाबेस का टेबल गलत करके रखा है तो वैल्यू पास नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली ये सेम रखना है। उसके बाद आपको करना है पीएसटी डॉट सेट स्ट्रिंग, देन जो इधर मैं कॉपी किए हैं फर्स्ट
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, बर्थडे का मंथ, ईयर, जैसे जैसे है आपको सिमिलर इधर फिल करना है, और कौन सा टेबल है। जैसे कि 31 तक मेरा टेबल है, आप देख पाओगे टेबल का जो कॉलम है, ठीक है, डेटाबेस। हाँ इसको मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा, देन इसको अभी जी देख पा रहे हो 1 2 करते हुए मेरा कितना कॉलम है, ठीक है, ये 31 तक है। देन इस टेबल का मान लीजिए जैसे कि है एक दो नंबर पे है, एक नंबर पे है, ये दो नंबर पे है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्या चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए इधर मैं 2 कर दे रहा हूँ, देन ये 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आप देखिए ये तो मेरा कर दिया हूँ, देन इसका नीचे और कुछ चेंजेस होगा क्या, मैं दे थोड़ा सा चेक कर ले रहा हूँ। देन और एक जैसे कि है मेरा एक इधर फाइल बनाया था, रिडायरेक्ट होगा उसके लिए, ठीक है, मतलब मेरा वैल्यू सही रहा है, सही रहेगा, तब रजिस्ट्रेशन का अंदर, वही पेज के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ। देन इसको एक बार रन कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसका लिंक जो है कॉपी करके मैं इधर डाल दे रहा हूँ, आपको बताता हूँ कैसे ये काम करेगा। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इधर 1 का बदले में 2 डाले हैं और 2 का बदले में 1 डाले हैं, ठीक है। इधर नहीं करने से क्या दिक्कत होता है, तो सिंपली आपको इधर रन करना है, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू फिल कर दीजिए कुछ भी, क्योंकि हम लोग का तो उधर क्लीन ही है। देन इधर इधर कुछ वैल्यू डाल दीजिए, देन सबमिट। अब इजीली देख पा रहे हो इंसर्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि है इंसर्ट में कॉन्टैक्ट बोल के जो फाइल किया हूँ उसको, उसको नेम अभी तक हम लोग चेंज नहीं किया हूँ, कर सकता हूँ अभी भी कर दूंगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इसके अंदर में वैल्यू तो आया है लेकिन पास नहीं हुआ है, और बाकी डेटाबेस में भी वैल्यू अभी तक नहीं गया है। अब देखो कि इधर जाके जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखिए इधर क्लीन है। हम इधर क्या करेंगे, आपको इधर का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इधर आपको 1 होना चाहिए, क्योंकि देखिए फास्ट नेम का जो टेबल के अंदर में जो फास्ट नेम है वो हम लोग का पहले का कॉलम में आता है। अब इधर देखिए पहले का कॉलम में आता है, ठीक है, और इधर हम लोग फास्ट नेम के अंदर में सेकंड का कॉलम डाल देंगे तो वैल्यू किसी का भी प्रिंट नहीं होगा, मतलब हिट नहीं करेगा इधर, ठीक है। तो इसलिए आपको सिमिलरिटी सबको रखना है, जैसे आप फॉर्म बनाया है उसी का हिसाब से आपको सब सेम रखना है, और उसी का हिसाब से आपका जो टेबल है, टेबल के अंदर में जैसे आपका कॉलम है उसी के हिसाब से आपको इधर नंबरिंग करना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार देख लेता हूँ, जैसे कि इधर मैंने एक PHT एग्जीक्यूट अपडेट लिया हूँ, जो कि है मेरे को इधर अपडेट होने जब होगा, जो वैल्यू मैं इधर से डेटाबेस में जाएगा तब इस पेज पे रिडायरेक्ट होगा, तो मेरे को तभी पता लगेगा, जब इस पेज पे रिडायरेक्ट होगा तभी मेरे को पता लगेगा मेरा डेटाबेस में वैल्यू जा चुका है, ठीक है। और इस पेज का अंदर में आपको दिखा देता हूँ क्या है, मैंने कुछ नहीं किया हूँ इस पेज में, मेरा थोड़ा सा एक हेडलाइन दिया हूँ, देन ये दिया हूँ, उसका बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया हूँ जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट है आप इस इधर से भी मतलब रिडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी तो ये अभी काम नहीं हो रहा है तो इसको मैं अभी ये कर दे रहा हूँ, कॉमेंट कर दे रहा हूँ। देन फंक्शन जो है, जो कि है काउंट डाउन, मतलब 1 से लेके 5 तक वो काउंट डाउन होगा, और काउंट डाउन का जो है अभी इधर देख पा रहे हो सेकेंड्स में हो रहा है, और 1500 सेकेंड्स का काउंट डाउन, मतलब 5 सेकेंड का आसपास ही होगा, देन वो आपको उसी पेज पे आपको रिडायरेक्ट होगा। इस पेज को आपको रन करके भी आपको दिखा सकता हूँ, अभी इसलिए देख पाओगे, ठीक है, कुछ स्टेप से आपको शो होगा।
देन इधर में एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं अभी इस टाइम पे करते रहे, ठीक है अभी सही है। और बाकी हमको क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट जो है इसको थोड़ा सा चेंज करना है। इंसर्ट फ्रॉम कर दे रहा हूँ, ठीक है अभी सही है। देन इंसर्ट फ्रॉम हो चुका है और इधर भी मेरे को इंसर्ट फ्रॉम, हाँ चेंजेस हो चुका है। बस इसका बाद आपको क्या करना है, इधर तो मेरा कंप्लीट हो चुका है इंसर्ट करने का, और इधर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाँ अभी ये सही है, आपको इंसर्ट टू फ्रॉम इधर डालना है, और ये कंप्लीट होने का बाद आपको इधर तक मैंने समझाया था जिस नेम है उसको डालने का बाद वैल्यू है, उसके बाद जितना भी सेक्शन है मतलब 31 तक हम लोग का सेल है उसका अंदर में आपको इधर 31 तक क्वेश्चन मार्क डालना है, ठीक है आप इधर देखोगे ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपको समझ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं आप मेरा डेटाबेस कनेक्शन या डेटाबेस कनेक्शन, मेरा एक वीडियो है डेटाबेस कनेक्शन का भी है, और एक वीडियो है डेटाबेस का कोई भी वैल्यू को कैसे डेटाबेस में स्टोर किया जा सकता है, तो आप उस दो वीडियो देखोगे तो मेरे को आपको क्लियरिटी आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि मैं उधर एक दो ऐसे तीन वैल्यू को मैंने पास किया हूँ ठीक है। तो आपको ये इधर हो चुका है, इसको आपको करना है सेव। सेव करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा करना है, देन आपको ऑटोमेटिकली वेब डॉट एक्सएमएल को इधर क्रिएट नहीं हुआ है शायद, हाँ क्रिएट नहीं हुआ है वो पता था, वेब डॉट एक्सएमएल को ओपन करना है। देन हम लोग का क्या था, इधर देखिए इंसर्ट कनेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो हम लोग इंसर्ट फ्रॉम किया हूँ, तो आपको सिंपली इसको करना है वेब डॉट एक्सएमएल में, आपको करना है इंसर्ट फ्रॉम, इधर भी करना है फ्रॉम, ठीक है देन सेव करना है, इसको भी क्लोज कर दे रहा हूँ। देन मैं अभी इस फाइल को रजिस्ट्रेशन को रन करूँगा और देखूंगा इधर वैल्यू फिल करते क्या हो रहा है। इधर मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, प्रोग्रामिंग ठीक है, बीएस सबमिट, देखिए कुछ कहीं पे भी एरर आया है तो हमको देखना पड़ेगा कहाँ पे एरर आया है। तो सबसे पहले मैं आपको जाऊंगा इधर, अभी तक वैल्यू पास नहीं हुआ है, तो क्यों पास नहीं हुआ है हम लोग देख लेंगे, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इंडेक्स पे देख लेता हूँ, इंडेक्स तो सही है, उसके बाद एरर आया है, कनेक्शन भी होगा सोर्स को टेस्ट कनेक्शन, इधर में कहाँ पे इधर आया है देख लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आफ्टर सबमिशन इधर में हुआ है, इधर वैल्यू हम लोग चेंज किए थे अभी सही हो चुकी है, इंसर्ट फ्रॉम हो इधर हो गया। देन अपने डेटाबेस में एक बार देख लेता हूँ, डेटाबेस के अंदर में मेरा जो था फ्रॉम इधर है, हम लोग का डेटाबेस क्या नेम से था, टेस्ट बोर्ड के ठीक है, तो हम लोग डेटाबेस में जाएंगे, देन इधर में टेस्ट हाँ है, इधर में आपको डालना पड़ेगा फ्रॉम सही है, इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है ठीक है। तो इंसर्ट में कुछ इशू है तो इसको मैं क्लीन बिल कर लेता हूँ, ब्राउज़र चेंज कर लेता हूँ, देन एक बार देख लेता हूँ।
क्या बोल रहा है, ओके ओके, इंसर्ट कॉन्टैक्ट पे अभी तक वैल्यू जा रहा है। ओके, मेरे को समझ में आया कहाँ पे दिक्कत हुआ है। तो देखिए आपको क्या दिक्कत है, आपको बोल दे रहा हूँ। इधर में देखिए, मैंने इधर कॉन्टैक्ट था पहले, तो मैं इसको क्या किया, इंसर्ट फ्रॉम किया हूँ, लेकिन पहले जो ऑप्शन है आपको यूज़ करना है, जैसे कि डेटाबेस को वैल्यू सेंड करने के लिए आपको फ्रॉम यूज़ करना होता है, जैसे कि आपको दिखा दे रहा हूँ, बैकग्राउंड फ्रॉम, ठीक है। मैं आपको बोला था उस टाइम पे जी, इसका बाद में इसका ना चेंजेस आपको AQ है यूज़ होता है, आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वैल्यू को डेटाबेस में सेंड करने के लिए आपको एक यूज़ होता है फ्रॉम टैग। फ्रॉम के अंदर में आपको डालना है एक्शन इक्वल टू इंसर्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो है। तो इंसर्ट कॉन्टैक्ट पहले था हम लोग का, तो अभी तो है इंसर्ट फॉर्म, इसलिए वैल्यू पास नहीं हो रहा है। तो आपको इधर डालना है इंसर्ट फ्रॉम, सही है। उसके अंदर उसके बाद आपको डालना है मेथड इक्वल टू पोस्ट, आपको तो पोस्ट ही करना है, ठीक है। और आप इसीलिए देख पाओगे इसी फ्रॉम का मतलब, जब मेरा का स्टूडेंट का ये है मेरा हेडलाइन, उसका ऊपर इस फ्रॉम को यूज़ किया जाता है टैग को, और एकदम नीचे क्लोज होता है, ठीक है। मतलब सबमिट का बाद ही एक क्लोज होगा, आप पहले डाल दोगे तो डेटाबेस में वैल्यू नहीं जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ क्रोम पे, इसको अभी सेव कर लेता हूँ, देन इसको रन करता हूँ, अभी देखता हूँ वैल्यू जाता है क्या नहीं, ठीक है। इधर मैं कुछ भी वैल्यू डाल दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी एक दो अब सही है, इसको भी कर दे रहा हूँ, डेट चूज कर ले रहा हूँ, इसका नेम भी सही है, अभी तो मेरा डेटाबेस क्लीन ही है। इसके बाद मैं करूँगा सबमिट पे क्लिक। देखिए मतलब इस पेज आया, तो मतलब रिडायरेक्ट हुआ है और वैल्यू भी गया है डेटाबेस पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली डेटाबेस पे जाना है, देन इजीली आपको इधर तो फ्रेश दिख रहा है, आपको फिर से एक बार करना है। आप देख पाओगे जैसे कि मैंने वैल्यू फिल किया हूँ, इधर आ चुका है, ठीक है। सेम वैल्यू मैं दोबारा भी फिल कर सकता हूँ रन करते हुए फाइल को, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं फिल करेंगे, बस इतना ही गया है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी कहीं पे भी रिक्वायर नहीं दिया हूँ, ठीक है। इसलिए वैल्यू कोई भी आधा भी वैल्यू आप फिल करोगे तो डेटाबेस पे चला जाएगा, और बाकी सब नाल नाल करके शो होगा। अब इसको भी इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, देखिए ठीक है। हम लोग इससे यार कुछ नहीं यूज़ किया हूँ, इसलिए -1 करके आया है, बाकी सेम डेटा मैंने यूज़ किया हूँ, और बाकी देखिए इधर नल बोल के आया है, मतलब कुछ भी हम लोग नहीं किया है, इधर भी सेम आया। ठीक है, तो आप इस कहाँ गया, आप इजीली इस सर ऐसे कर सकते हो, कहीं पे भी फ्रॉम जो है कहाँ गया, हाँ आप इजीली ऐसे क्रिएट कर सकते हो, और डेटा भी डेटाबेस में सेंड कर सकते हो, उतना भी ये नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। और कहीं पे भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हो। तो और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है, तो मेरा वीडियो पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको इस कोड चाहिए, पूरा ऑल प्रोजेक्ट का कोड चाहिए, तो मेरा ना पर्सनल मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको इधर इस कोड पे आपको दे दूंगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप इजीली देख पा रहे हो, आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब का करने के लिए मैं इतना भी वीडियो ऐसे वीडियो लेके आता हूँ, एंड आगे भी लेके आऊँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।